सर, चूंकि भारत में सदियों से शरीर और मन को समझने के सतत प्रयास किए जाते रहे हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, तो इस संदर्भ में कभी कोई बात की गई है या ऑटिज्म को समझने के लिए कोई पर्याय है तो थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल, समझने, शरीर को समझने के तो कई प्रयास किए गए हैं, कई तरीके से बोला गया है। अगर आप योग के माध्यम से बोल रहे हैं तो योगेश्वर कृष्ण जिस रथ पे बैठे थे, जिस रथ के वो सारथी थे, उस वो रथ ही एक पर्याय है शरीर को और इंद्रियों को समझने का। जी। अर्जुन के सारथी हुए पार्थ, है ना, जैसे पार्थ सारथी बोला जाता है उन्हें, है ना, पार्थ अर्जुन और सारथी हुए कृष्ण, पार्थ सारथी कृष्ण का एक नाम है। तो अगर आप देखें तो उस रथ में जुटे हुए कितने घोड़े थे, पांच। वो पांच घोड़े किसको सूचित करते हैं, पांचों बहिरिंद्रियों को, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, है ना, पांच बहिरिंद्रियों को वो सूचित करते हैं। वो पूरा रथ हमारे शरीर को इंगित करने के लिए है जी। उसमें बैठे हुए कृष्ण मन को इंगित करने के लिए है, इसलिए मन, कृष्ण मोरपंखी पहनते हैं ना, मन हजार शेड्स होते हैं उसके, और उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है, रथी जो है, वो आत्मा का सूचक है जी। शरीर जिन चीजों से बना है बड़ा अस्थिर है, इसलिए शरीर या रथ को जो ध्वजा इंगित करता है वो है पवन पुत्र हनुमान का ध्वजा। तो ये बताता है कि जैसे पवन परिवर्तनशील होता ना, यहाँ है वहां वहां है और अस्थिर होता है, वैसे ये शरीर भी अस्थिर है ना, कल जैसा था आज नहीं है, कल वैसा नहीं रहेगा। यहां ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर बहिर इंद्रिय जो भी हैं पांच, जो पांच घोड़ों से बताए जाते हैं, उन्हें अगर मन सही तरीके से संसाधित ना करें, कृष्ण मन का सूचक है, अगर बहुत ज्यादा खींच दे या बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दे तो वो नियंत्रण में नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल सही मात्रा में उन्हें संसाधित करना पड़ेगा, किसको, मन को। मन को, घोड़े भाग रहे हैं पर घोड़ों को संसाधित किसे करना, मन को करना है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन में भी यही सिखाया जाता है कि अगर इंद्रिय जरूरत से ज्यादा सक्रिय है तो उसे भी दमन किया जाए, और अगर जरूरत से कम सक्रिय है तो भी उसे स्टिमुलेट या सक्रिय किया जाए, सही मात्रा में हो। तो घोड़े इंद्रियों के प्रतीक हैं, कृष्ण मन के प्रतीक हैं, रथ शरीर का प्रतीक है, और अर्जुन उसमें या रथी जो बैठा है वो आत्मा का प्रतीक है। इस तरह अर्जुन के रथ कौन का इस्तेमाल किया जाता है शरीर को समझने के लिए, ना समझी ये रही कि हमें लगा कि बैलेंस बना लिया जाए इसलिए चार घोड़े हमने लगा लिए, चाहे वो गीता प्रेस की किताबें हों जिनके कवर पे चार घोड़े लग गए, या चाहे किसी भी बड़े होटलों के बाहर खड़ी की गई कृष्ण और अर्जुन के रथों जहाँ के चार घोड़े लगे लगा दिए गए। गलती कहाँ से हो रही सर, ये चार घोड़ों की, चार घोड़ों की वो हमारी समझ की है। देखिए चीज क्या होता है ना कि नहीं कहते हैं कि उड़िया में कहावत है कि कपड़ा रह गया और कर्पूर अंदर का उड़ गया, तो कर्पूर तो अंदर का उड़ गया है, कपड़े को लेके हम कितना जितनी ना समझे उतने तरह के हम बता दें। सर, ऑटिज्म से पीड़ित कई महान लोग हुए हैं, बिल गेट्स, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और भी कई इस तरह के, जब वो इतने महान थे उन्होंने एक से एक काम किए हैं, तो बुद्धिमता की तो कोई कमी नहीं आई इसमें। बुद्धिमता की तो कोई कमी थी भी नहीं इसमें जी। बुद्धिमता की कोई कमी थी भी नहीं, बुद्धि तो खुद में एक अलग क्षमता है जी। इंद्रियों से आने वाली संवेदनाएं एक अलग क्षमता है, बुद्धि एक अलग क्षमता है, तो इन दोनों का कोई तारतम्य नहीं है। आइजैक न्यूटन, वो भी तो बोलने वाले बोलते हैं कि उन्हें ऑटिज्म था जी। तो वो जिस चीज की तरफ खुद को केंद्रित कर लेते हैं उस चीज की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ उठना बैठना मिलना उन्हें कमी रह जाती है थोड़ी। वो अपना एक एम बना के एक ही तरफ इंडिकेट कर लेते हैं, एक विशेष दिशा में वो आगे बढ़ते चले जाते मतलब हैं। मतलब वही सर बात है ना सर कि अंगों से बाहर निकल गए वो। हाँ, एक तरह से कि भाई सामाजिक उसमें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपना जो उन्होंने ध्येय बना लिया है उसको पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और पा लेते हैं। सर, भारतीय परंपरा में अश्वों का स्थान बड़ा ऊंचा रखा गया है क्योंकि अश्व रथ में जुता करते थे
और आवागमन के सबसे तेज संसाधन थे, यानी रथों का महत्व काफी था। और उड़ीसा में तो रथों का बहुत प्रमुख पर्व है एक रथ यात्रा, जो कि बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो इस और अभी आपने अर्जुन के रथ के माध्यम से हमें मन, इंद्रिय, शरीर और आत्मा के संबंध को समझाया, साथ ही ऑटिज्म को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो क्या कोई दूसरा रथ है जो भारतीय मनीषा के उत्कृष्ट होने का प्रमाण देता हो? ऐसा एक रथ है जिसे कि एक दिव्यांग व्यक्ति चलाते हैं और जिसे रोज सुबह सुबह पहले आप प्रणाम करते हैं। सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम किया जाता है ना भाई? जी बिल्कुल। तो 30 डिग्री तक, जब तक सूर्य पूरे प्रभाव में नहीं आते, तो पहले 30 डिग्री तक जो दिखता है वो अरुण है जी। अरुण सूर्य का दूसरा नाम नहीं है, अरुण सूर्य के सारथी का नाम है जिसके कि दोनों पैर नहीं थे। अच्छा। है ना, उनकी माँ ने समय से पहले उन्हें पैदा कर दिया था, इसलिए पूरा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए दोनों पैर उनके नहीं थे। पर वो इतने प्रभावशाली थे कि वो सूर्य के सारथी बने। और उनके रथ में क्या है? उनके रथ में है एक चक्र, जो कि धर्म चक्र है। उनके रथ में कितने घोड़े हैं? उनके रथ में है 7 घोड़े। अच्छा। और कैसे हैं उनके घोड़े? 7 अलग अलग रंग के, 7 रंग जो कि इंद्रधनुष के हैं। और रथ पे बैठा कौन है? सूर्य बैठे हैं, जो कि अथर्ववेद के वर्णना के हिसाब से पृथ्वी ब्रह्मांड के इस तरफ से उस तरफ पार करते हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन साहब ने, ऑटिज्म था ना बता रहे थे आप, जो 1600 या 1700 या 1700वीं ईस्वी में ये बताया कि एक प्रिज्म है जिसमें कि अगर व्हाइट लाइट सूरज की दी जाए तो 7 रंगों में वो टूट आता है। इसकी कल्पना पूरी पूरी तरह से तो अथर्ववेद में दी गई है, जो कि नहीं भी तो कम से कम 3000 साल पुरानी शास्त्र है। तो अरुण का रथ ये साफ बताता है कि हमें ये पता था कि सूर्य के 7 रंग होते हैं, कि सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं, और उसे चलाने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति है जिसे कि सुबह सुबह हम प्रणाम करते हैं, जिसके रथ का एक चक्र है जिसपे कि सूर्य बैठे हुए पृथ्वी के इस पार से उस पार जाते हैं, ऐसी वर्णना है जी। तो ये रही दूसरी रथ। रथ से छोटी कहानी मुझे याद आती है, बड़ा मुझे प्यारा ये कहानी। इसमें कुछ यूं हुआ, कर्ण पर्व चल रहा था जी। तो अर्जुन कर्ण के सामने आया, बड़ा क्रोधित रहता था उससे और बार बार आधे सूत पुत्र बोला करता था। सामने आमने सामने दोनों रथ हो गए, कृष्ण सामने हैं और इधर मद्र नरेश। मद्र नरेश के बारे में आपने सुना है, मद्र नरेश कर्ण के सारथी हुए जी। और मद्र नरेश, जैसे कृष्ण अर्जुन को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, मद्र नरेश हमेशा कर्ण को हतोत्साहित करते रहते हैं। अच्छा। मैंने बताया ना कि कृष्ण मन का सूचक, सारथी हमेशा मन का सूचक है, तो वो हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क ये भी था। कर्ण पर्व दोनों सामने खड़े हो गए और अर्जुन मंत्रित करता है और एक बाण चलाता है, जो कि जाके कर्ण के रथ में लगता था। अच्छा। और लगभग कुछ 100 मीटर कर्ण का रथ पीछे चला जाता है। कर्ण फिर आगे आता, मंत्रित करता, एक बाण मारता जो कि अर्जुन के रथ में लगता, वो कुछ ही मीटर पीछे जाता, पर कृष्ण बोलते वाह क्या बात है अंगराज कर्ण, क्या बात है, शाबाश। अर्जुन नाराज होता, फिर मंत्रित करता, एक जोरदार तीर मारता और कर्ण का रथ कुछ मीटर पीछे चला जाता। कर्ण वापिस संभलता और फिर एक तीर मारता और कुछ पीछे जाता। तो ऐसा चलता रहा। पहले दिन शाम होते होते शंख बजा, युद्ध समाप्त और दोनों अपने अपने शिविर में गए। अर्जुन बड़ा नाराज हुआ, बोला कि उस सूत पुत्र को, उसके मन में सवाल उठ रहे थे, उस सूत पुत्र को आप इतनी उसकी बड़ाई क्यों कर रहे थे, जबकि उसके वाणों से तो मेरा रथ कुछ ही मीटर पीछे जा रहा था और मेरे वाणों से कई गज पीछे जा रहा था उसका रथ। तो कृष्ण कहते हैं, तो समझा नहीं, तुम्हारे पास सारे दिव्यास्त्र हैं, तुमने धोखे से, इंद्र ने धोखे से उसके कवच और कुंडल ले लिए, अमोघ उसका खत्म हो गया घटोत्कच के चक्कर में। तुम्हारे पास सारे दिव्यास्त्र हैं, तुम्हारे रथ
को स्थिरता देने के लिए पवन पुत्र हनुमान ऊपर बैठे हैं और तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूं। तुम्हारे गुरु द्रोण रहे, ये शापित है, उस पर भी वो जब बाण चलाता तुम्हारे और मेरे रथ को कई मीटर पीछे कर जाता, और तुम जब बाण चलाते तो कुछ पीछे करते, है ना, वो सराहना की योग्य। तो ये कहानी मुझे बड़ी प्रिय लगती है, इसलिए क्योंकि संसाधनों के साथ तो कोई एक व्यक्ति बहुत आगे भले ही बढ़ जाए, पर सराहनीय तो वो व्यक्ति है जो कि बिना संसाधनों के भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे लिए मान्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं थे उस पे भी वो एक ऐसा योग्य बना कि भारत के संविधान को लिखा, एक ऐसा राष्ट्र जहां की 1600 जातियां रहती हैं, कितने पर्व मनाए जाते हैं, सबके बीच समता बनाए रख एक ऐसा संविधान सबको समान अधिकार देता है। और आज भी देखें आप, कुछ भी चलता है, लोग क्या बोलते हैं कि अगर संविधान में है तो मान्य होगा, सर्वमान्य। तो ऐसा कमाल किया होगा बी आर अम्बेडकर साहब ने, तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है बोलने का तो मैं कहानी जरूर सुनाता हूँ कि भाई संसाधनों के साथ तरक्की कर जाना अपने में और बात है, और बिना संसाधनों के तरक्की कर पाना वो सराहनीय है।